हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे शहर की जो महाराष्ट्र राज्य में मौजूद है। दोस्तों, ये शहर ठाणे शहर से 26 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जो अपने सिल्क और नायलॉन कपड़ा उद्योग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। और साथ ही में दोस्तों, ये शहर उल्हास नदी के किनारे बसा हुआ है। फेमस यूट्यूबर आशीष चंचलानी भी इसी शहर से हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के एक बहुत ही खूबसूरत शहर उल्हासनगर के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उल्हासनगर के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें जो आप लोग शायद जानते होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं उल्हासनगर शहर के एक शानदार सफर पर। तो सबसे पहले आपको बता दें, महाराष्ट्र राज्य में स्थित उल्हासनगर शहर, यहाँ की कैपिटल मुंबई से 46 किलोमीटर और भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली से 1380 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इस शहर की टोटल पॉपुलेशन लगभग 6,96,000 के आसपास है, जिस वजह से ये शहर महाराष्ट्र का 18वां और भारत का 92वां सबसे घनी आबादी वाला शहर भी है। अगर सेक्स रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पर प्रत्येक 100 लड़कों पर 90 लड़कियाँ हैं। इस शहर के ज्यादातर लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन में 82% लोग हिंदू, 8% लोग बुद्धिज्म, 6% लोग इस्लाम और 4% लोग अन्य धर्म को फॉलो करते हैं। दोस्तों, उल्हासनगर शहर दुनिया के सबसे बड़े जीन्स मैन्युफैक्चरिंग शहरों में से एक है, यानी यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। और साथ ही में दोस्तों, ये शहर बेडिंग शॉपिंग और फर्नीचर शॉपिंग के लिए भी लोकप्रिय है। अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो यहाँ का लिटरेसी रेट 87% है, यानी यहाँ की 87% लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं। दोस्तों, इस शहर की गाड़ियों पर आपको MH05 नाम की नंबर प्लेट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ का व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर MH05 है। उल्हासनगर शहर को आजादी से पहले सिंधु नगर के नाम से जाना जाता था, जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांजिट मिलिट्री कैंप के रूप में स्थापित किया गया था। दोस्तों, इस शहर की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मराठी भाषा को दिया गया है, यानी यहाँ के ज्यादातर सभी लोग आम बोलचाल में मराठी भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर इस शहर के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की बात की जाए तो इस लिस्ट में शिव मंदिर, चालिया साहिब झूलेलाल मंदिर, बिरला मंदिर, पवाई शिव धाम टेम्पल, शांति सागर रिजॉर्ट एंड वॉटर पार्क आदि जगह शामिल हैं। बिरला मंदिर, दोस्तों बिरला मंदिर यहाँ के सबसे पवित्र और लोकप्रिय मंदिरों में से एक है, जो अपनी सीनरी और आर्किटेक्ट के लिए जाना जाता है। दोस्तों, इस मंदिर में बॉलीवुड की कई फिल्मों को भी शूट किया गया है, जिसमें सुहाग, तेरे नाम, गोलमाल फल अनलिमिटेड आर मूवी शामिल हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।